आपने इंडियन आर्मी के पास ये जिम्नी तो देखा ही होगा, लेकिन 2017 के टाइम पर हमारे इंडियन आर्मी को एक नई गाड़ी चाहिए थी जो मारुति की जिप्सी को रिप्लेस कर सके। तो शुरुआत में बहुत सारी कंपनीज ने बिड किया, जिसमें से कुछ फॉरेन कंपनीज भी थी जैसे फोर्ड और रेनॉल्ट। और अगर इंडियन कंपनीज की बात करें तो टाटा और महिंद्रा भी रेस में थी। कुछ टाइम बाद हमारी इंडियन आर्मी ने फॉरेन कंपनीज को रेस से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें देश का लोहा ही चाहिए था। ये सबके बाद इस बिडिंग वाले प्रोसेस में सिर्फ टाटा और महिंद्रा ही रह गई थी। तो टाटा वालों ने अपने साइड से सफारी को भेजा और वहीं महिंद्रा वालों ने अपने साइड से स्कॉर्पियो को भेजा। ये जो सफारी और स्कॉर्पियो इन दोनों कंपनीज ने भेजा था, ये कोई नॉर्मल प्रोडक्शन वाली गाड़ियां नहीं थी। इन्हें इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया गया था। अब ये रिक्वायरमेंट्स क्या है मैं वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन जब इंडियन आर्मी ने इन दोनों गाड़ियों का हैवी वाला टेस्ट किया तो उन्होंने स्कॉर्पियो को छोड़कर टाटा की सफारी को ही फाइनल किया। तो जहां नॉर्मल सिविलियंस के मार्केट में सफारी स्कॉर्पियो को कभी नहीं हरा पाई, जिसके वजह से 2019 के टाइम पर टाटा वालों को सफारी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था इंडियन मार्केट से, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी को इस गाड़ी में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने सफारी को ही पसंद किया स्कॉर्पियो को छोड़कर, आज के हम यही देखेंगे। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1991 के टाइम पर इंडियन मिलिट्री को GS 500 कैटेगरी के अंदर एक गाड़ी चाहिए थी, और उन्होंने कौन सी गाड़ी चूज करी ये तो आप सबको पता है, मारुति जिप्सी। जब भी कभी कोई इंडियन मिलिट्री की गाड़ी इमेजिन करता है तो बस मारुति जिप्सी का ही नाम आता है सामने। और जिप्सी इंडियन आर्मी में इसलिए इतना कॉमन है क्योंकि इंडियन आर्मी ने जिप्सी की ऑलमोस्ट 35,000 यूनिट्स खरीदी है आज तक, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इस गाड़ी को चूज करने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे सबसे पहला ये गाड़ी बहुत ही छोटी थी साइज में। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में जो मिलिट्री लोकेशंस है वहां पर रास्ते बहुत चौड़े नहीं है, जहां मारुति की जिप्सी बहुत आराम से चली जाती है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी छोटी है साइज में, तो वो जो खतरनाक वाले टर्न्स होते पहाड़ों पर वहां भी जिप्सी आराम से घूम जाती है। दूसरा रीजन ये है कि मारुति की जिप्सी में आपको 500 केजी का पेलोड कैपेसिटी मिलता है। एक तो ये गाड़ी ऑलरेडी इतनी हल्की है वजन में, सिर्फ 985 केजी की है ये गाड़ी, और फिर भी जिप्सी 500 केजी तक का वजन उठा लेती है। और इस GS 500 वाली कैटेगरी में हमारी इंडियन आर्मी को वही गाड़ी चाहिए थी जो 500 केजी के पेलोड कैपेसिटी के साथ आती हो। और यहीं पर हमारी इंडियन आर्मी को जिप्सी से प्यार हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मारुति जिप्सी हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप इन दोनों के साथ आती थी। और मारुति की गाड़ी है तो रिलायबिलिटी और स्पेयर पार्ट्स की तो बात ही छोड़ दो। मारुति की गाड़ियां बहुत ही सिंपल होती है, जिसके वजह से मान लो कि रास्ते में कहीं हमारे इंडियन मिलिट्री के जनरल अपने जिप्सी में बैठकर कहीं जा रहे हैं और तभी अचानक से जिप्सी में जो है कुछ दिक्कत आ जाती है, तो क्योंकि ये गाड़ी इतनी सिंपल है और बहुत ही बेसिक है तो इंडियन मिलिट्री के जवान इसे खुद ही ठीक कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि ये वीडियो तो सफारी के बारे में था तो जिप्सी कहां से आ गई, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया कि GS 500 का कैटेगरी क्या था। लेकिन 2013 के टाइम पर इंडियन आर्मी ने सोचा कि उन्हें GS 800 कैटेगरी के अंदर एक नई गाड़ी चाहिए, जिसमें अब इंडियन आर्मी का 500 केजी की पेलोड कैपेसिटी वाली गाड़ी से काम नहीं चल रहा था। अब उन्हें एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो 800 केजी तक का वजन उठा सकती थी, क्योंकि मिलिट्री के बहुत सारे यूज केसेस होते हैं जिसमें कभी हमारी मिलिट्री को राशन एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रहता है, तो कभी भारी भरकम मशीनरीज जो वार में इस्तेमाल होती है। इस 800 केजी के पेलोड कैपेसिटी के अलावा हमारी मिलिट्री को एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो किसी भी कंडीशन में आराम से चल पाए, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियां ही क्यों ना हो या फिर वो सिक्किम के ही रीजन क्यों ना हो, कारगिल से लेकर राजस्थान की 50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी में भी वो गाड़ी आराम से चल पाए और कोई दिक्कत ना दे। अब क्योंकि राजस्थान में इतनी गर्मी होती है तो मिलिट्री को एयर कंडीशन गाड़ी भी चाहिए थी जो हार्ड टॉप के साथ आती हो। जहां पुरानी वाली जिप्सी हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप दोनों ऑप्शंस के साथ आती थी, वहीं इस GS 800 कैटेगरी वाली गाड़ी में आर्मी को सिर्फ हार्ड टॉप ही चाहिए था। तो क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी को इतनी रिलायबल गाड़ी चाहिए थी तो आर्मी ने इंडिया के ही कार मेकर्स को अपफ्रंट रखा इस बिडिंग वाले प्रोसेस में, क्योंकि उस टाइम तक इंडियन कार मेकर्स बहुत ही अच्छी गाड़ियां बनाती थी जो हमारे इंडियन मिलिट्री में भी यूज करी जा सकती थी। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि टाटा वालों ने अपने साइड से सफारी को भेजा था टेस्टिंग के लिए, और वहीं महिंद्रा वालों ने अपने साइड से स्कॉर्पियो को भेजा था। तो देख लो, इंडियन मिलिट्री में भी स्कॉर्पियो और सफारी की राइवलरी चल रही है। तो आर्मी ने स्कॉर्पियो और सफारी इन दोनों गाड़ियों का बहुत ही भयंकर वाला टेस्ट किया। इन दोनों गाड़ियों को बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन्स पर चलाया गया था, और बहुत ही ज्यादा हैवी वाली टेस्टिंग के बाद हमारे इंडियन आर्मी को पहली बार जिप्सी छोड़कर किसी दूसरे गाड़ी पर प्यार आया। टाटा की सफारी जो थी उसके लिए टाटा मोटर्स ने सबसे कम अमाउंट पे बीट करा था, जिसके वजह से मिलिट्री ने सफारी स्टॉर्म के 3,192 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया। और इसी के वजह से कभी कभी हमें ये ग्रीन वाली आर्मी एडिशन सफारी स्टॉर्म देखने को मिलती है रास्तों पर। अब बाहर से देखने में ये मिलिट्री वाली सफारी ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, लेकिन इसके जो अंदर चेंजेस किए गए हैं वो सुनकर आप भी शॉक होने वाले हो। जहां नॉर्मल वाली सफारी 154 BHP का पावर प्रोड्यूस करती थी 400 Nm के टॉर्क के साथ, वहीं इस आर्मी वाले सफारी में 265 BHP का पावर के साथ 1200 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इनसेन है। इंजन स्पेक्स के अलावा हर मिलिट्री की गाड़ियों की तरह इसका भी ग्रीन कलर रखा गया था। फ्रंट ग्रिल को भी पूरा ब्लैक कर दिया गया था, जो कि पहले क्रोम में आता था, और साथ में इसमें बहुत सारे टोइंग हुक्स भी आते हैं। फ्लैग लगाने के लिए एक माउंट भी दिया गया है, और एक जेरिकन माउंट भी दिया गया था जो 20 लीटर की कैपेसिटी के साथ आती थी। ये सब तो हो गया कॉस्मेटिक चेंजेस, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी में इतना टॉर्क था इसलिए कंपनी को भी इसके रियर एक्सल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे। और इंडियन आर्मी ने टाटा मोटर्स को बीट से ही पहले बोल दिया था, इस आर्मी एडिशन वाले सफारी पर जब 800 केजी का लोड पड़ेगा तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 200 mm से कम नहीं होना चाहिए, और इसीलिए नॉर्मल सफारी से कंपेयर करें तो आर्मी वाली सफारी
ज्यादा ऊंची भी लगती है। तो एक तरफ मार्केट में स्कॉर्पियो का इतना भौकाल था और आज भी है कि टाटा मोटर्स को सफारी डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, और वहीं दूसरी तरफ हमारी इंडियन मिलिट्री ने सफारी को ही पसंद किया। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो भाई मुझे भी स्कॉर्पियो और सफारी में सफारी ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि बहुत कम सेल्स हुए थे इस गाड़ी के स्कॉर्पियो के मुकाबले, लेकिन भाई मैंने आज तक एक भी सफारी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। तो बाकी बात आप खुद समझ जाओ। और आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, बाकी सब्सक्राइब पक्का से कर लो ताकि आप ऐसे टाइप के वीडियोस और देख पाओ, और लाइक करना मत भूलना भाई, लाइक तो करना ही है आपको।